यूजुअली आज के टाइम में जब भी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि हम अपनी बिहाइंड द सीन लाइफ को कंपेयर करते हैं किसी की हाइलाइटेड रील से। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि सामने वाला पर्सन इंस्टाग्राम रील में जो अपनी लाइफ दिखा रहा है वो उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, हाइलाइटेड पार्ट है, वो उसकी कम्प्लीट लाइफ नहीं है। हम सभी के अंदर कुछ सर्टेन ट्रिगर्स होते हैं और जब भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे वो ट्रिगर एक्टिव हो जाए तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस एक सेकेंड में ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से फिर हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी होती है या बहुत ज्यादा पतली होती है, ऐसे लोग जब जिम जाते हैं और अपने आसपास फिट लोगों को देखते हैं और मस्कुलर लोगों को देखते हैं तो फिर इनका ट्रिगर एक्टिव हो जाता है और फिर ये इनसिक्योर फील करने लगते हैं। और कुछ लोग जब देखते हैं कि उनका दोस्त, कजन या उनका दुश्मन उनसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, उनसे आगे निकल गया है, तो भी वो इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी लाइफ उनके जैसी क्यों नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया भी हमें इसी तरह का ट्रिगर देता है जिसमें हम अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को किसी और की लाइफ या पर्सनालिटी से कंपेयर करते हैं और फिर इनसिक्योर फील करते हैं। थोड़े ही दिन पहले की बात है जब मैं अपनी लाइफ के सारे एक्सपेक्ट, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, को कंपेयर कर रहा था इंस्टाग्राम पर एक ऐसे पर्सन से जिससे मैं कभी मिला भी नहीं था। वो मेरे लिए पूरी तरह से एक स्ट्रेंजर था, लेकिन फिर भी मैं उसकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा था। उस पर्सन के इंस्टाग्राम फीड मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी मेरी अचीवमेंट्स के बारे में। मैं उसकी प्रोफाइल देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मैंने तो अपनी लाइफ में अभी कुछ किया ही नहीं है। मुझे उस टाइम तो ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ये कितना इलॉजिकल है, अपनी कंप्लीट लाइफ को किसी की हाइलाइटेड लाइफ के साथ में कंपेयर करना। इंस्टाग्राम पर एक इमेज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपके सेंस ऑफ लॉजिक को टोटली ओवरपावर कर देती है, जिस वजह से फिर आप लॉजिक भूलकर अपने आप को लोगों से कंपेयर करने लग जाते हो। इंस्टाग्राम की रियलिटी ये है कि यहाँ पर लोग अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट एस्पेक्ट ही शो करते हैं। कोई भी अपनी लाइफ का स्ट्रगल या नेगेटिव एस्पेक्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता है। जैसे किसी कपल ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करी और नीचे लिखा हनीमून इन स्विट्जरलैंड। अब इस फोटो को देखकर काफी लोगों को लगेगा वाह यार क्या लाइफ है इन लोगों की, एक तरफ हम यहाँ हनीमून मनाने गोवा नहीं जा पा रहे हैं और ये स्विट्जरलैंड पहुंच गए। हो सकता है कि वो कपल घर से लड़ झगड़कर पैसे चुरा कर स्विट्जरलैंड पहुंचे हो, पर तुम्हें रियलिटी थोड़ी पता है, तुम्हें तो इंस्टाग्राम रियलिटी पता है। तुम्हें एक चीज को समझने की कोशिश करना होगा कि इंस्टाग्राम पर लोग तुम्हें सिर्फ अपनी स्टोरी का बेस्ट और हाईलाइटेड पार्ट दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर कोई भी अपनी स्टोरी का डार्क साइड नहीं दिखा रहा है, जहां पर नेगेटिविटी है, स्ट्रगल है, डिसअपॉइंटमेंट है, इनसिक्योरिटीज है। आज के टाइम में रियलिटी सोशल मीडिया से एकदम गायब हो चुकी है, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पर अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रियल वर्जन। बहुत से लोगों की रियल लाइफ बहुत ही हार्ड हो सकती है, बहुत ही अगली हो सकती है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भी हो सकती है, बट फिर भी वो सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो अपनी लाइफ में फुली सेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। हमें द फीलिंग ऑफ लैक और डिससेटिस्फेक्शन तब फील होता है जब हम इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल करते हैं और हमारी ट्रू रियलिटी को कंपेयर करते हैं किसी पर्सन की इंस्टाग्राम रियलिटी से। ऐसा करके हम एक ही स्केल से मेजर करते हैं दो एंटायरली डिफरेंट रियलिटीज को। हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा करना कितना अनफेयर और अनरियलिस्टिक है। So how can we stop ourselves from making them? Reduce your time on social media. अपने सोशल मीडिया को बहुत कम से कम यूज करो और जरूरत ना हो तो यूज भी मत करो। मुझे पता है ऐसा करना बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि सोशल मीडिया यूज करना आज के टाइम में हमारी हैबिट बन चुका है। मतलब अगर एक भी दिन हम इंस्टाग्राम ना खोले तो हमें बहुत इनकम्प्लीट फील होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी हैबिट को तोड़ नहीं सकते हैं और खत्म नहीं कर सकते हैं। अपने आप को अलाउ करो 5 से 10 मिनट सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने के लिए और अपडेट रहने के लिए, बट एडिक्टिव मत बनो। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करो जो तुम्हें ट्रिगर करते हैं अपने आप को उनसे कंपेयर करने के लिए। ऐसे लोगों की प्रोफाइल से सिर्फ तुम्हें सैडनेस और एंजाइटी ही मिलेगी, तो जितना हो सकता है ऐसे लोगों को तुम अवॉइड करो। रीडायरेक्ट योर फोकस ऑन द थिंग्स दैट रियली मैटर्स। जब तुम अपना फोकस और अटेंशन रियल वर्ल्ड में डालना चालू कर दोगे तो तुम अपने आप ही सोशल मीडिया के फेक वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाओगे। तुम्हें सोशल मीडिया की एक्टिविटी मीनिंगलेस लगने लग जाएगी। तुम अपना फोकस हाई एनर्जी एक्टिविटीज में लगाओ, जैसे जिम, बुक रीडिंग। अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, ना कि कॉन्फिडेंस डाउन करे। एक लिस्ट बनाओ हाई एनर्जी एक्टिविटी की और फिर जब भी तुम्हें सोशल मीडिया चलाने का मन करे तुम उस लिस्ट में से किसी भी एक एक्टिविटी को चूज करो और सोशल मीडिया चलाने की जगह उस एक्टिविटी को करो। एक्सेस वेयर दोस नेगेटिव कंपैरिजन आर स्टेमिंग फ्रॉम।
जब हम अपने आप को सोशल मीडिया पर किसी से कंपेयर करते हैं तब तो वो हमें बहुत नेगेटिव वाइब देता है, लेकिन अगर हम चाहे तो उस एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अपने लिए पॉजिटिव पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में किस जगह पर लैग कर रहे हैं और हमें किस चीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब मेरे साथ स्ट्रेंजर की प्रोफाइल को अपने आप से कंपेयर करने वाला इंसिडेंट हुआ था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को अपने अंदर डेवलप करूंगा। इसके लिए मैंने कुछ चीजें करना चालू करी। जब भी मेरा किसी के साथ इंटरेक्शन होता था तो मैं हमारे इंटरेक्शन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उसमें और ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करता था, जिससे फिर सामने वाले पर्सन की नजरों में मेरी बहुत ही अच्छी इमेज डेवलप हो जाती थी। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर टाइम पर फिक्स करके रखा हुआ है। जैसे मुझे अगर सुबह 8 बजे नहाना है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह 8 बजे ही नहाऊंगा। इस टाइम मैनेजमेंट से दिन में मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और उस टाइम में फिर मैं अपने आप पर काम करता हूँ, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करता हूँ। एंड लास्ट, डू वॉट यू लव। सबकी लाइफ का एक डिफरेंट पर्पज़ होता है और डिफरेंट लाइकेबिलिटी होती है। अगर तुम अपने अंदर के पर्पज़ को पहचान कर अपनी लाइकेबिलिटी के अनुसार काम करोगे तो वो तुम्हें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देगा, जो तुम्हें दुनिया के किसी और चीज में कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने अंदर के पर्पज़ को पहचानो और अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग काम करो। तुम्हें कभी इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा।